नमस्कार साथियों, आज जिस बिंदु के बारे में हम चर्चा करेंगे आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हम विगत एग्जामों के अंदर देख रहे हैं कि प्रत्येक एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, आइए उन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आज का जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है वह है आपके सामने क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में आइए, सबसे पहले हम जिस बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं वह है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। पहला क्वेश्चन तो यह है कि मेवात क्षेत्र विकास जो कार्यक्रम है ये कब है, तो याद रखिए 1986 to 87। अच्छा, ये जो मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है ये कितने जिलों में संचालित हो रहा है, तो याद रखिएगा दो जिलों में। दो जिले कौन कौन से, तो आप सब जानते हैं मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम है तो मेवात क्षेत्र में दो जिले आते हैं, अलवर और भरतपुर के अंदर। याद रखिएगा मेवात क्षेत्र जो विकास कार्यक्रम है इसके अंदर जो वित्त पोषित है यानी कि संपूर्ण जो खर्चा है वो किसका है, केवल राज्य सरकार का, इसमें किसी की कोई हिस्सेदारी नहीं है। तो आपके एग्जाम के लिए यहां से दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं, एक तो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब, तो याद रखिएगा 86 to 87, और ये कितने जिलों में संचालित है, तो दो, कौन कौन से, अलवर और भरतपुर, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये कब, तो याद रखिएगा 1993 to 94। ये कहां पर, तो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम हमारे राजस्थान के उन जिलों में संचालित है जो पाकिस्तान के साथ में क्या बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ये देखिए चार जिले जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं, वो चार जिले के कितने खंड में ये योजना चल रही है, तो 16 खंड में, याद रखिएगा, ठीक है। कौन कौन से चार जिले हैं, तो आप जानते हैं गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर और बाड़मेर, यही वो चार जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं, वहीं पर सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालित है जिसका वित्त पोषित, याद रखिएगा, केंद्र सरकार का। ये पूर्णतः राज्य सरकार की है और वो पूर्णतः किसकी है, केंद्र सरकार की। दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, एक तो ये कब और ये कितने जिलों में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एक वित्त पोषित का याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले दो आपके सामने और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कार्यक्रम, एक तो है आपके मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मगरा क्षेत्र जो विकास कार्यक्रम है यह है आपके 2005 और 6 में, यह केवल राज्य सरकार द्वारा संचालित है। कितने जिलों में, तो याद रखिएगा पांच जिलों में। पांच जिले कौन कौन से, देखिए अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। यहां पर यह आर्थिक और सामाजिक सुधार करना है, इसीलिए कौन सा, याद रखिएगा मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। एक तो याद रखिएगा कब, तो 2005 और 6, यह पूर्णतः राज्य सरकार का है, ठीक है, इसमें केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है। कितने जिलों में, तो पांच जिले हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, तो आर्थिक व सामाजिक सुधार करना है। कौन से क्षेत्र में, मगरा क्षेत्र में, याद रखिएगा। एक है आपके डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, देखिएगा इसकी जो शुरुआत है हमारे राज्य सरकार द्वारा तो की गई थी 2005 और 6 में, लेकिन पहली बार ये डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा संचालित हुआ था 1995 to 96 में, लेकिन 2005 और जो 6 है वो पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा है, ठीक है। इसके अंदर देख लीजिए वित्त पोषित केवल और केवल कौन है, राज्य सरकार। अच्छा, ये कितने जिलों में है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तो याद रखिएगा आठ जिले। आठ जिले कौन कौन से हैं, तो एक तो पूर्णतः कोटा संभाग है, याद रखिएगा, और एक आपके भरतपुर संभाग है। इन दोनों संभागों की, याद रखिएगा, 26 पंचायत समितियों में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालित है। कोटा संभाग में चार जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, और भरतपुर संभाग में भी चार जिले आते हैं, सवाई माधेपुर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ठीक है। इन आठ जिलों में कौन सा, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम आठ के अंदर है, ठीक है, और मंगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम पांच जिलों के अंदर है, ठीक है। दोनों ही योजनाएं आपके केवल राज्य सरकार द्वारा है, इसका ध्यान रखिएगा। पहली बार केंद्र सरकार द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया था 1995 to 96, लेकिन पुणे राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। चलिए अगला, नेक्स्ट देखिए, अगला है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो और आपके सामने। एक है मरु विकास कार्यक्रम, कौन सा है, मरु विकास कार्यक्रम जो है आपके 1977 to 78 के मध्य, ठीक है। ये कहां पर है, तो मरु विकास जो कार्यक्रम है, याद रखिएगा, राज्य के 16 जिलों के 85 खंडों में संचालित है। इसके अंदर वित्त पोषित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, केंद्र का कितना हिस्सा है, तो 75, जबकि राज्य सरकार का कितना है, 25%, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो मरुस्थल के प्रसार को रोकना, क्योंकि मरुस्थल का जो प्रसार है वो किस दिशा में हो रहा है, पश्चिम से पूर्व के
और हमारे राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र कितना है, तो 61.11, लेकिन इसरो की रिपोर्ट के अनुसार याद रखना है 67% क्या है, मरुस्थलीय भाग। ठीक है, तो मरु विकास कार्यक्रम कब है, 1977 to 78, ये कहां पर है, तो 16 जिलों में। वैसे पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश आप पढ़ते हैं भौतिक प्रदेश, उसमें तो 12 जिले आते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम कितने जिलों में है, 16 जिलों में, 16 जिलों के 85 खंड के अंदर। ठीक है, वित्त पोषित याद रखिएगा, केंद्र सरकार का 75 है, राज्य सरकार का आपके 25 है। उद्देश्य है मरुस्थल के प्रसार को रोकना। प्रसार किधर हो रहा है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर। याद रखिए मरुस्थल कितना है, 61.11, लेकिन इसरो के अनुसार राजस्थान के अंदर मरुस्थलीय क्षेत्र है 67%। ठीक है, अगला देखिए, एक है आपके कंदरा विकास कार्यक्रम। कंदरा डांग ये क्या है, तो आप जानते हैं चंबल बेसिन, चंबल नदी द्वारा औ नाले का अपर्दन से कंदरा युक्त भूमि बीहड़ कहलाती है, पता ही आपको। तो कंदरा विकास कार्यक्रम कब है, याद रखिएगा 1987 to 88, लेकिन एक बार ये ऑप्शन में नहीं था इसलिए ऑप्शन में आया था 1989। ठीक है, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। ये केवल केंद्र सरकार की, देखिए के से कंदरा विकास कार्यक्रम और के से याद रखिएगा केंद्र सरकार। ये कितने जिलों में है, तो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत ये भी 8 जिलों में है, और 8 जिले वही है कोटा संभाग के 4 और भरतपुर संभाग के 4। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, तो बीहड़ के फैलाव को रोकना, जैसे मरु विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है मरुस्थल के प्रसार को रोकना। ये दोनों बिंदु क्लियर है आपके, चलिए आगे नेक्स्ट। अब देखिए यहां पर एक है आपके रूंग भायला कार्यक्रम। रूंग भायला कार्यक्रम 1985 to 86, कहां पर, डूंगरपुर के अंदर। और देखिए रूंग का अर्थ होता है आप सब जानते हैं वृक्ष, और भायला का अर्थ होता है मित्र, यानी जो वृक्ष मित्र है उसको बढ़ावा देना। तो वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है 85 to 86 के अंदर। ठीक है, एक देखिए अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम है आपके 1992 to 93, 1992 to 93 के अंदर। ये कहां पर, तो 10 जिलों के अंदर है, किसके सहयोग से है ये भी याद रखिएगा, तो OECF के सहयोग से है, और इसका उद्देश्य है अरावली का जो क्षेत्र है वो हरा भरा करना है। नाम से पता चल रहा है ना, वृक्षारोपण किस क्षेत्र में, अरावली के अंदर। ठीक है, वैसे अरावली में मुख्य जिले कितने आते हैं, याद रखिएगा 7, लेकिन अरावली में कुल जिले कितने आते हैं, तो याद रखिएगा 13। अरावली में है 13-7, 13 तो कुल है और 7 मुख्य हैं, और ये जो कार्यक्रम है ये 10 जिलों में संचालित है। ठीक है, ये विशेष थोड़ा ध्यान रखिएगा, और ये आपके रूंग भायला कार्यक्रम। नेक्स्ट, अब देखिए ये थोड़े से हल्के फुल्के से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। मरु गोचर योजना 2003 और 2004 के अंदर है, राजस्थान के कितने, 10 जिलों में है। 10 जिले कौन से हैं, तो पश्चिमी मरुस्थलीय वाले। मैंने इससे पहले कहा था कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में टोटल कितने जिले आते हैं, 12 जिले। उन 12 में से गंगानगर और हनुमानगढ़ को छोड़कर बाकी जो 10 जिले हैं उसमें संचालित है कौन सा, मरु गोचर योजना। एक बार पुण्य सुनिए, मरु गोचर जो योजना है ये 2003 और 2004 में ये राजस्थान के 10 जिलों में संचालित है। कितने, 10 जिलों में, लेकिन 10 जिले हैं कौन से, आपने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भौतिक प्रदेश पढ़ा था, उसमें 12 जिले आते हैं। उनमें जो 12 जिले आते हैं ना, उनमें गंगानगर और हनुमानगढ़ को छोड़कर बाकी जो 10 जिले हैं उसमें संचालित है कौन सी, मरु गोचर योजना। ठीक है, एक आपके जनजाति क्षेत्र विकास विभाग याद रखिएगा कब स्थापित है, 1975 के अंदर, जिसका उद्देश्य क्या है, जनजातियों का सामाजिक आर्थिक वे बौद्धिक विकास करना। जनजाति क्षेत्र विकास विभाग, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका याद रखिएगा भाई आप। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्लियर। नेक्स्ट, आगे देखिए अगला, ये आपके कुछ और महत्वपूर्ण है नाम से, इसीलिए इनको याद रखिएगा। एक प्रावर्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मतलब बोले तो माडा, माडा है, इसकी शुरुआत कब हुई याद रखिएगा 1978 to 79 के मध्य। ठीक है, एक शहरिया विकास कार्यक्रम 1977 to 78 के मध्य, और शहरिया आप जानते हैं 12 के अंदर है। ठीक है, किशनगंज और शाहबाद के अंदर याद रखिएगा। ठीक है, एक बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम तो 1979, और एक आपके सामने है जनजाति उप योजना 1974 to 75। ये है आपके राजस्थान में क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, जहां से कोई सा भी वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है। जैसे डायरेक्ट आ जाए माडा का गठन तो 1978 to 79, शहरिया विकास कार्यक्रम किस जिले में है तो एक जिले में, एक जिले की कितनी, ये देखिए किशनगंज और शाहबाद दो तहसील। बिखरी जनजाति कब, और जनजाति उपयोजना, ठीक है ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये दो हमने पढ़े, मरुगोचर योजना और जनजाति क्षेत्र विकास विभाग। ठीक है,
इसके अलावा अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम और रूंग भायला कार्यक्रम दोनों इंपॉर्टेंट, मरु विकास कार्यक्रम और कंदरा विकास कार्यक्रम, एक एक बात इनकी याद कर लीजिएगा, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और यहां तक इसके अलावा मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की शुरुआत इनके जिले और इसमें थोड़ा जहां वित्त पोषित आ रहा है ना, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या दोनों सम्मिलित, वो जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और अभी एक बार फिर कह देता हूं, प्रत्येक एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन आ रहा है तो आपके भी चांसेज हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे इसी प्रकार एक और नए कैप्सूल के साथ, फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।